मारना पड़ेगा, नई बॉल पे कोई निकलता नहीं है। हाँ। अब पता चलेगा बैंगलोर में, वहां पर दे ही नहीं पाएंगे इनको। बैंगलोर में ये क्या करते हैं? और न्यूजीलैंड के पास तो पड़ेगा नहीं, मैं कह रहा शुरू में शायद आप ना दो, क्योंकि वहां दोनों अच्छे खेल लेते हैं, आपके पास देने आपके पास ऑप्शंस नहीं है। कौन से भी कोलकाता भी लौटना है वापस, कोलकाता इनकी वाली गेम है ना शायद। ये है जी पाकिस्तान का शेड्यूल जो आगे के बचे हुए मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को इन्होंने आज 7 विकेट से कोलकाता में हरा दिया, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इनका मैच है 4 नवंबर को बैंगलोर में। मतलब आप मान के चलो वहां पे एक टीम तो बनाएगी, डिपेंड करता है किसकी पहले बैटिंग आती है। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ इनका आखिरी मैच है 11 हालांकि जो इंग्लैंड मैच है, इंग्लैंड श्रीलंका का मैच हुआ था राहुल भाई, जो अभी बेंगलुरु वाले विकेट में, वो थोड़ा सा डिफरेंट वाला लगा और श्रीलंका वाला नहीं रुक किया, तो इंग्लैंड की बैटिंग ने बना दिया वैसा जो भी था, बट उस तरीके का लग रहा था जो हम टिपिकल बेंगलुरु। चलिए अब आपको थोड़ा सा पॉइंट टेबल देख के समझाते हैं भाई पाकिस्तान का अभी जो एज ऑफ नाउ अकेला चांस जो लग रहा है कुदरत का निजाम और सेमीफाइनल वो क्या है। पॉइंट टेबल आपको ये दिखा देते, ये है पॉइंट टेबल आपके सामने। अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान 5 पर जा सकता है तो दैट मींस इंडिया और साउथ अफ्रीका का यहां से कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात। इवन बाद में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान भी है जो 5 तक जा सकती है और श्रीलंका भी है अभी जो 5 तक जा सकती है, क्योंकि 3-3 मैचेस इनके बचे हैं। इन दोनों के पास ये है कि अपने मैचेस बचे हैं, हाँ। इनको किसी दूसरी टीम पे डिपेंड नहीं होना है, अपने मैचेस जीतने हैं, मार्जिन से जीतने हैं। तो 5-5 पाकिस्तान के पास बचे हैं 2 मैचेस और वो 2 मैचेस उनको खेलने हैं, एक खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, एक श्रीलंका और एक खेलना है श्रीलंका के साथ। पहला मैच इनका पाकिस्तान का इंग्लैंड 11 नवंबर को इनका इंग्लैंड कोलकाता में खेलना, उससे पहले बैंगलोर में खेलना न्यूजीलैंड। अब तो मुझे भी रट गया यार, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ खेलना, न्यूजीलैंड को खेलने 3 मैचेस। तो एक एक करके वो समझा देते हैं, क्योंकि देखो अभी अगर जो देखो 5 तक कौन कौन पहुंच सकता है, एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। पहले ले लेते हैं नीदरलैंड्स को, नीदरलैंड्स भी 3 में से 3 जीतेगी, ऑब्वियसली नेट रन रेट पर भी बात आएगी, बट अगर हम बाकियों को सोच सकते हैं तो नीदरलैंड्स को क्यों नहीं, 3 ही अच्छे जीते तो शायद नेट रन रेट भी बेहतर कर सकते हैं। 5 का अगर हम हिसाब किताब देखें, एक एक करके टीम तैयार रखिए, नीदरलैंड्स के फिक्स्चर्स दिखाइए कि नीदरलैंड्स के क्या कुछ मुकाबले हैं, और उनके अगले 3 में एक पहला ही मुकाबला जो इनका है वो है अगेंस्ट अफगानिस्तान इन लखनऊ। तो आपको लग रहा है कि भाई वहां पर आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि भाई अफगानिस्तान आप फेवरेट्स मानोगे और अच्छे तरीके से उनको वहां पर रेट करोगे, क्योंकि तो वहां पर उनकी पॉसिबिलिटी एक तरीके से खत्म भी हो जाती है। तो ये एक बार आप देखिए, ये है नीदरलैंड्स के 3 मुकाबले, इसमें से आपको मुश्किल लगता है कि अफगानिस्तान को, इंग्लैंड को और इंडिया को एक ना एक मैच तो कम से कम ड्रॉप करे, कितना भी अच्छा खेल। इसमें ये चीज है कि अगर नीदरलैंड को आप किसी भी टीम के सामने रखोगे तो सेकंड ही रखोगे, बट इन 3 मैचों में सबसे ज्यादा चांसेस उनके अफगानिस्तान के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल, और इंग्लैंड भी आज की डेट में हो सकता है भाई, 2 पॉइंट भी हो सकता है, वो बांट रहा है। तो नीदरलैंड का केस आपको 5 वाले में खत्म नजर आ रहा है कि भाई उनका नहीं है। अब देख लेते हैं अफगानिस्तान का, जिनका अफगानिस्तान का सिनेरियो आपको पाकिस्तान स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड कप मामला बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन वो जो रोशनी है फ्रॉम ऑल द डार्कनेस दैट हैज अपीयर्ड अ बिट ऑफ रिलीफ फॉर द टीम, और मतलब अभी भी हम होप कर सकते हैं कि भाई शायद हम क्वालिफाई कर जाएं, अगर ऐसा हो फिर वैसा हो फिर वैसा हो, अभी ऐसा वैसा सिंपल सिनेरियो है। यहाँ न्यूजीलैंड अपने 3 मैच हार जाए, हमने 2 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 3 हारने हैं, अगर हम अपने 2 जीतेंगे तो न्यूजीलैंड ऑटोमेटिकली 1 हार जाएगा और फिर उन्होंने 2 मजीद हारने होंगे जिसमें से 1 कल होगा, तो वो जो इंतज़ार है, वो जो हाइप है ना, वो जो पता ना, वो कंट्रोल हो जाएगा, कल आपको पता चल जाएगा। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो बोल जाए विस्तार मान दो घर जाओ, चल सीन नहीं क्वालिफाई करो गया, अगर कल न्यूजीलैंड जीत गया। बट अगर कल न्यूजीलैंड को देखने को मिलती है यहाँ पर एक लॉस, एक शिकस्त, तो आपके चांसेस रहेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर और आप क्वालिफाई कर सकते हो फिर फाइनल। देयर्स अ थिंग कॉल्ड मोमेंटम। अफरीदी इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है, मोहम्मद वसीम जूनियर आहिस्ता पता चल रहा है कि इज अ गुड फास्ट बॉलर, शफीक आपको मिला है इस टूर्नामेंट से, अब्दुल्ला शफीक और ये फखर की जोड़ी। हाँ, बाबर के रन नहीं है, वो उनके लिए एक बड़ी चिंता होगी, अब जो भी है वो मेंटल उसको कैसे ले रहे हैं, बट आई थिंक पाकिस्तान जो परसों था वर्सेस पाकिस्तान जो आज है बेहतर हुआ है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, धीरज ने बड़ी अच्छी बात बोली कि टीम कौन सी थी, बट अगेन जब आप वर्ल्ड कप में आते हैं आपको हल्की टीम ये अफगानिस्तान से भी तो हारे हैं। बट सर, हम शाइन के विकेटों की बात कर रहे हैं, शाइन ने विकेट कब लिए हैं,
वो जो उनका प्राइमरी काम ठीक है आज नहीं पहुंचे बट उससे पहले तो वो उन मैच में विकेट ले थी जय भाई देखो मैच लगभग उनके हाथ से निकल नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर जरूरत थी अगर उनका असेसमेंट एक फेयर तरीके से आप देखो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उन्होंने अच्छी बॉल करी है ठीक है एक गेम ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं लेकिन आप शाहीन शाह अफरीदी से ये चाहते हो मैं वही कह रहा हूं सही है शुरू के दो ओवरों में वो दो विकेट निकाल के होते थे वो दें उसकी वजह से वो सामने वाली टीमों को क्या करते हैं 250 से 300 के बीच में रोक देते हैं अगर वो जाके बाद में साउथ अफ्रीका मैच ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का मैच उसने मतलब मेरे वही कि अकेले उस खिलाड़ी ठेगत होने लिया कि मैं ही नई बॉल पे विकेट लूंगा मिडिल ओवर्स में आपका कुछ नहीं धीरे देखो जय जो बात बोल रहे हैं ना वो भी बिल्कुल गलत नहीं है मैं मानता हूँ मैं उसमें शाहीन ने बहुत अच्छा बॉल डाला है पर उसे उन्होंने भी ब्रेक करके दी मैं बोल तो रहा हूँ वो ठीक आपकी बात भी ठीक है उनकी भी बात ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान को शुरुआती विकेटें अगर मिल जाती जो शाहीन पे वो बैक कर रहे थे द मोमेंट आपके नसीम शाह भी शायद कुछ नहीं बदलता जो हम 66 पर 4 पर देखे थे मैं कह रहा शायद तो देखो ये नहीं पता आपको उस दिन देखो वो मैच इनकम्प्लीट था हां वो इनकम्प्लीट था हां इंडिया की गेंदबाजी देखते हुए पाकिस्तान के भी इनके साथ तोते उड़ने थे एक दो मैचेस में और फिर हुआ कि विकेट ऊपर मिल भी जाते थे बाद में प्रेशर नहीं अप्लाई करते बट अगर हम गेंदबाजी वैसे मैं कह रहा हूं मैच दर मैच भी शाहीन की अगर उठाकर देख लें आज का मैच तो उनके हिसाब से ओपोनेंट नहीं थी अच्छा किया बहुत बढ़िया फास्टेस्ट 100 विकेट्स पर भी पहुंच गए आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच पहले ओवर में बहुत कुटाई हुई फिर आपने डिकॉक को भी आउट किया वापसी जो स्पेल लगाया फेलियर ये है कि भाई वो आखिरी विकेट यॉर्कर मारनी थी नहीं मार पाए बट ठीक कर दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाला गेम जो अगेन ये फिर हारे बुरी तरीके से उस मैच में तो इवन शुरू में भी अब जो हम कह रहे हैं कि कैच छूट गई वार्नर की अब फ्रंट उन्होंने उस दिन अच्छा बॉल डाला था बीच में भी अच्छा डाला और आखिर में भी अच्छा डाला इंडिया मैच में हाँ हम उनसे बोलते कि यार ये नई बॉल पर विकेट आती तो एक्साइटमेंट आता बट क्या उस दिन रन पर वो जो हम कहते हैं भाई गेंदबाजों के लिए कुछ रन छोड़ रखे थे आपने मैच है बैंगलोर में ठीक है इनका बेस्ट पॉसिबल है कि नई बॉल पे चार आउट कर दिए क्योंकि ये लास्ट 10 ओवर अच्छा डालते हैं इनकी दिक्कत पता क्या है बीच में अगर इनको ऊपर से विकेट नहीं मिली तो इनके जो बीच के बॉलर इफ्तिकार ने या उस आरएस से तो गेट खुलवा देना बैंगलोर में ना कुट खानी ये फिर 400 ही देखेंगे 100 बॉलर ही मारेगा फिर कोई हां तो मतलब ये 400 देखेंगे इनको इनको शाहीन अफरीदी को उस दिन करना पड़ेगा स्टेप अप करना पड़ेगा ऊपर से तीन यार न्यूजीलैंड का जो आता मारना शुरू होता है जो मारता है मारना शुरू करता है जिसका दिल करता है ओ रविंद्रन वो बॉलर कम बैट्समैन थे वो बैट्समैन बन गए इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डरी जो है वो उनसे लग रहा है सो विच मीन्स कि बीच में विकेटें चाहिए बीच में विकेटें चाहिए मैं अभी भी कहता हूं पाकिस्तान को मोमेंटम मिला है सांसें मिली हैं बट ये टीम बांग्लादेश है एंड न्यूजीलैंड इन बैंगलोर ठीक है इंग्लैंड वाला मैं मैच फिर भी मैं पाकिस्तान को मानता हूं बिकॉज इंग्लैंड सुसाइडल मोड में हाँ। इंग्लैंड का तो आपको मालूम है उनको पता ही है पॉइंट्स बांट रहे हैं इंग्लैंड पॉइंट्स बांटने आई है बट न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान पाकिस्तान के बहुत बड़ा गेम होगा और न्यूजीलैंड के लिए क्या है ना कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है इस वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ साथ कि उसको कंडीशंस कोई सी भी दे दो वो कहीं पर हल्की नहीं होगी उसके पास चेन्नई के लिए भी है उसके पास बेंगलुरु के लिए भी है धर्मशाला में जहां पर 400 की विकेट थी वहां के लिए भी था तो उसके पास जो हम कहते हैं ना कि पूरा जो है हर एक चीज बेसिस कवर्ड है कि भाई कहीं पर वो ही नहीं लगा कि न्यूजीलैंड हल्की पड़ गई जैसे आप कभी कभी होते ना कि अफगानिस्तान को खेलना है जी चेन्नई में कैसे खेलोगे या कहीं और ट्रिकी ट्रैक पर चेन्नई में हो गया हम बात कर रहे थे कि जो दिल्ली की विकेट होती है लखनऊ की विकेट होती जो अफगानिस्तान नीदरलैंड होना है तो वहां पर वो कुछ है अच्छा बाबर आजम के एक बार आंकड़े जो है उन पर नजर डाल लेते हैं उन पर बात कर लेते हैं क्या कुछ उनकी परफॉर्मेंस रही है और साथ ही साथ नीदरलैंड आई थिंक आउट टू अ स्पिनर 5 रन कॉलिन एकरमैन वो वहां पर आउट हो गए थे श्रीलंका शायद डाउन द लेग साइड एक कैच आउट हुए थे इंडिया 50 रन यहां पर बोल्ड हुए थे ऑस्ट्रेलिया 18 यहां पर जैम्पा ने किया है शायद मेरे ख्याल से हां जी अफगानिस्तान 74 इस मैच में भी स्पिनर ने किया है शायद अरे वो नूर नूर ने किया है साउथ अफ्रीका वाले में 50 यहां पर शमसी ने किया है जी और कल की हार के बाद जो है वो अगर कल की हार में साउथ अफ्रीका को अपनी टीम समझ रहा हूँ और साउथ अफ्रीका की हार को अब हम कल की हार बोलेंगे तो फिर पाकिस्तान का चांस खत्म हो जाएगा और होपफुली साउथ अफ्रीका कोई 200 रन से रहेगी अगर न्यूजीलैंड को तो मज़ा आएगा मतलब मज़ा आना चाहिए 200 रन से फेंटा लगे और पता चले कि भाई मैच हुआ है फेंटा लगे देखते हैं वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा टेक केयर गुड बाय